जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा थर्ड टेस्ट में दोस्तों पूरी की पूरी टीम इंडिया महज 78 यानी कि 78 रन पर ही सिमट गई। आप सभी को बता दें कि फर्स्ट इनिंग के दौरान टीम इंडिया की बल्लेबाजी थी और यहां पर बल्लेबाजी के दौरान पूरी की पूरी टीम इंडिया 278 रन पर सिमट गई। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान पर ऐतिहासिक 151 रनों की जीत के बावजूद फर्स्ट इनिंग के दौरान ही 78 रन पर सिमट जाना अपने आप में ही बहुत दुखदायी है। आप सभी को बता दें कि तीन ऐसे बल्लेबाज रहे जो बिना खाता खोले वापस लौट गए और महज दोस्तों दो ही बल्लेबाज ऐसे रहे जो डबल स्कोर तक पहुंच पाए थे यानी कि सिंगल डिजिट पर दोस्तों बाकी बल्लेबाज आउट हो गए, जहां रोहित शर्मा 19 रन और अजिंक्य रहाणे 18 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दोस्तों 10 रन से आगे भी नहीं जा सका, जिसमें दोस्तों आप बड़े से बड़े नाम जोड़ लीजिए। अजिंक्य रहाणे ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित शर्मा के साथ, लेकिन यहां पर निराश कर दिया। आप सभी को बता दें कि किसकी गेंद के आगे यहां घुटने टेके पूरी की पूरी टीम इंडिया ने। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी कि टॉस से लेकर प्लेइंग 11 में क्या बदलाव देखने को मिले, और साथ ही साथ क्योंकि विराट कोहली ने टॉस जीता था और ये टॉस जीतना भी बहुत दुखदाई साबित हुआ, और क्या दो बड़े खिलाड़ी जिसमें अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा का अब टेस्ट करियर इसी इंग्लैंड सीरीज के साथ खत्म हो जाएगा, इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों आइए आपको सारी जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। ठीक 3:30 बजे दोस्तों ये मुकाबला लाइव हुआ था, लेकिन 3 बजे टॉस हुआ था, जहां पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता था और टॉस जीतने के बाद दोस्तों पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अभी तक दोस्तों 2018 के बाद से 2021 में जो ये टेस्ट चल रहा है, इसके बीच जितने भी टेस्ट खेले गए उसमें दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ सारे टॉस हारते नजर आए थे विराट कोहली, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अब टॉस जीता तो टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी, और पहले बल्लेबाजी में 78 रन पर समेट जाना ये बहुत दुखदायी साबित हुआ। अगर विराट कोहली टॉस भी जीत रहे हैं तो वो भी टीम इंडिया के हक में नहीं गया। तो दोस्तों यहाँ पर टीम इंग्लैंड दो बदलावों के साथ उतरी, जहाँ डेविड मलान खेल रहे थे आज और क्रेग ओवरटन खेल रहे थे मार्क वुड की जगह जो इंजर्ड थे, और इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं था। सब कह रहे थे कि अश्विन और सूर्यकुमार यादव को मौका मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी की पूरी वही प्लेइंग 11 खेली जो लॉर्ड्स के मैदान पर खेली थी। रोहित शर्मा, केएल राहुल, पुजारा, कोहली, रहाणे, पंत और साथ ही साथ जडेजा, ईशांत, शमी, बुमराह, सिराज, ये सब हमें देखने को मिले, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम दोस्तों यहाँ पर बिना खाता खोले ही केएल राहुल पवेलियन वापस लौट गए थे। आप सभी को बता दें कि 0 रन यानी कि जेम्स एंडरसन ने उनको चौथी ही गेंद पर चलता कर दिया था उनके इस मैच के दौरान, और उसके बाद दोस्तों चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, लेकिन नंबर 3 पर बल्लेबाजी क्या करने आए, जेम्स एंडरसन ने उनको अपना शिकार बना लिया। आप सभी को बता दें इससे पहले एक जानकारी ये सामने आई थी कि दरअसल लॉर्ड्स के मैदान पर जो सेकंड टेस्ट खेला गया था उसके बीच में दोस्तों हमने काफी वाद विवाद जेम्स एंडरसन और जसप्रीत बुमराह विराट कोहली के साथ देखने को मिला था। विराट कोहली ने जेम्स एंडरसन की एज को लेकर भी काफी मजाक बनाया था मैदान के अंदर, स्टंप माइक में उनकी आवाजें भी रिकॉर्ड हुई थी। कहीं ना कहीं इन सब चीजों का बदला दोस्तों जेम्स एंडरसन ने आज के मैच में लिया, और शुरुआती जो 3 विकेट थे वो तीनों के तीनों विकेट दोस्तों जेम्स एंडरसन ने चटकाए। शुरुआती 3 विकेट दोस्तों समझ लीजिए कि आपके हाथ में पूरी टीम इंडिया की बागडोर, क्योंकि वो तीनों के तीनों खिलाड़ी दोस्तों टीम इंडिया के एक से बढ़कर एक धुरंधर है, जिसमें दोस्तों नाम तक केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली, ये दिग्गज 3 नाम दोस्तों जेम्स एंडरसन ने इनको चलता कर दिया। अब पहले विकेट की बात करें तो 5वीं गेंद थी मैच की और एक ही रन दोस्तों खाते में चढ़ा था, वो भी रोहित शर्मा के बल्ले से, लेकिन वो एक विकेट दोस्तों गिर चुका था केएल राहुल का। फिर 4th ओवर की पहली गेंद पर चेतेश्वर पुजारा को शिकार बनाया जेम्स एंडरसन ने अच्छी गेंद पर, 4 रन पर ही चलता कर दिया और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर फिर विराट कोहली को चलता किया, 7 रन पर ही विराट कोहली को चलता कर दिया, और ये 7वीं बार दोस्तों टेस्ट करियर में ऐसा हुआ है कि विराट कोहली को जेम्स एंडरसन ने चलता किया है। इससे पहले टिम साउदी और खतरनाक गेंदबाज मोइन अली और अन्य गेंदबाज विराट कोहली को आउट कर चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार से और जिस अग्रेसिवनेस के साथ जेम्स एंडरसन ने आउट किया वो देखने लायक था, और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। शायद विराट कोहली को उन्होंने जवाब दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर, ये बात तो उन्होंने तय कर दी दोस्तों। 3 विकेट लेने के बाद यहाँ मैच में पकड़ थी, और जब फर्स्ट सेशन हुआ दोस्तों तो फर्स्ट सेशन यहाँ पर अजिंक्य रहाणे की विकेट के साथ ही लिया गया था, क्योंकि 54 गेंदों में 18 रन की पारी खेल रहे अजिंक्य रहाणे रोहित शर्मा का साथ दे रहे थे। रोहित शर्मा को दोस्तों किसी भी खिलाड़ी का साथ नहीं मिला सिवाय अजिंक्य रहाणे के, वो भी कुछ ही देर के मेहमान थे, और अजिंक्य रहाणे 18 रन बनाकर जैसे ही 25वें ओवर की 4th गेंद पर आउट हुए, यानी कि टीम इंडिया का 58 रन पर करीब 4 विकेट गिर चुका था। आप सभी को बता दें कि 58 रन पर ही 5 विकेट हो गया था, लेकिन 56 रन
पर 4 विकेट जब हुआ था तभी फर्स्ट सेशन हो गया था। उसके बाद जैसे ही सेकंड सेशन खुला, सेकंड सेशन में दोस्तों तो और गेंदबाजों ने कहर ढा दिया। लेकिन आप सभी को बता दें कि अब तक दोस्तों ये तीसरा टेस्ट मैच जो लीड्स के मैदान पर खेला जा रहा है, इस पिच की दोस्तों यही सबसे बुरी बात है कि बल्लेबाज यहां पर अपने बल्ले से कमाल नहीं दिखाते, बल्कि तेज गेंदबाज यहां पर हमेशा ही हावी रहते हैं। आपको एक जानकारी देंगे, वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि टीम इंग्लैंड भी 60 के एक निजी स्कोर पर दोस्तों ऑल आउट हो गई थी एक टेस्ट मैच के दौरान। उसकी जानकारी आपको देते हैं। लेकिन आगे विकेट के सिलसिला देखें तो रोहित शर्मा दोस्तों अब भी मैदान में खड़े हुए थे, लेकिन उनका साथ देने के लिए आए ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने 9 गेंदों का सामना करा था, 2 ही रन बनाए थे और उनको चलता कर दिया रॉबिन्सन ने। इसके बाद दोस्तों हमने रॉबिन्सन, सैम करन और क्रेग ओवरटन की गेंदबाजी देखी। पहले जेम्स एंडरसन ने अच्छी और सदी हुई शुरुआत दिला दी अपनी टीम के लिए, फर्स्ट सेशन अपने नाम कर लिया। उसके बाद रॉबिन्सन, करन और ओवरटन ने कमाल दिखाया। अब ऋषभ पंत ने 2 ही रन बनाए, उनको चलता कर दिया। कैच दोस्तों आपको बताएं तो आप हैरान हो जाएंगे, शुरुआती जो 5 कैच हैं वो 5ों कैच दोस्तों जोस बटलर ने ही लिए। केएल राहुल का कैच भी विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने लिया, पुजारा का विकेट भी कैच जोस बटलर ने लिया, विराट कोहली का विकेट भी जोस बटलर ने लिया, अजिंक्य रहाणे का विकेट भी जोस बटलर ने और ऋषभ पंत का विकेट भी दोस्तों जोस बटलर ने ही लिया। तो ये 5ों कैच जोस बटलर ने ही लिए जो शुरुआती 5 विकेट गिरे थे। अब 58 रन के निजी स्कोर पर भारत का 5 विकेट खो चुके थे, आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी। रविंद्र जडेजा जो रविचंद्रन अश्विन की जगह खेल रहे हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो बल्ले से कमाल दिखाएंगे, लेकिन जब यहां पर विराट कोहली, रहाणे, पुजारा जैसे बल्लेबाज नहीं टिक पाए तो जडेजा जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी, जिनकी वैसे तो बल्ला बहुत चलता है, लेकिन यहां पर 29 गेंदों में 4 रन की ही पारी खेली और यहां पर चलता कर दिया इनको सैम करन ने LBW आउट करके। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद शमी आए थे, वो पहली ही गेंद पर क्रेग ओवरटन की गेंद पर आउट हो गए और टीम इंग्लैंड ने काफ़ी खुशी मनाई थी, क्योंकि वो जानते हैं कि पिछले सेकंड टेस्ट में लॉर्ड्स के मैदान पर शमी ने एक अर्धशतकीय पारी खेली थी जो गजब की पारी थी, तो उनका विकेट लेना भी एक बड़ी कामयाबी थी। निशांत शर्मा 10 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए, एक चौका आउट नहीं, नाबाद रहे वो आखिर तक और उनका साथ किसी ने नहीं दिया। जसप्रीत बुमराह के बारे में बताएं दोस्तों, तो जसप्रीत बुमराह दोस्तों 37वें ओवर के गेंद पर आउट हो गए थे, क्योंकि पहला गेंद ही सैम करन का था और पहले गेंद पर ही सैम करन ने उनको LBW आउट करके चलता कर दिया। सिराज ने महज 3 रन बनाए और रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा रन 19 रन बनाए 105 गेंदों में एक चौके की मदद से और क्रेग ओवरटन ने ही इनका विकेट लिया। दोस्तों आज के मैच में क्रेग ओवरटन और जेम्स एंडरसन ने 3-3 मैच फर्स्ट इनिंग के दौरान लिए, रॉबिन्सन, सैम करन ने 2-2 विकेट यहां पर अपने नाम किए। तो टीम इंडिया ने फर्स्ट इनिंग के दौरान 78 रन बनाए और 10 के 10 विकेट खो गई दोस्तों, डेढ़ सेशन के अंदर ही, यानी कि एक सेशन के बाद दूसरा सेशन हाफ ही हुआ था कि यहां पर टीम इंडिया की पूरी तरीके से धाराशाही हो गई। अब उसके बाद दोस्तों आइए आपको कुछ बड़ी जानकारी देते हैं, किस प्रकार से अजिंक्य रहाणे का करियर बहुत संकट में नजर आ रहा है इन सब चीजों के बावजूद, और क्या उनसे इस मैच के बाद उप कप्तानी छीन ली जाएगी, इस बात पर भी गौर करने वाली बात रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों एंडरसन ने बड़े से बड़े झटके दिए, अब लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहा अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर से खराब पारी खेली, जो उम्मीद की जाती है वो यहां पर देखने को नहीं मिला, और इनकी जगह लेने को पूरी तरीके से तैयार सूर्य कुमार यादव दोस्तों इस वक्त शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अगले टेस्ट में अगर ऐसे ही यहां पर निराशाजनक प्रदर्शन अगले इनिंग्स में भी अजिंक्य रहाणे का रहा तो इस बात में कोई दोहराई नहीं कि बड़े से बड़े बदलाव हम देख सकते हैं। साथ ही साथ जो उपकप्तानी की भूमिका संभालते हैं रहाणे, वो रोहित शर्मा के हाथ में भी जा सकती है, ऐसी कुछ खबरें सामने आई हैं। और दोस्तों यहां पर विराट कोहली का ये 50वां बताया जा रहा है इंटरनेशनल टेस्ट मैच, ये इंटरनेशनल मैच जिसमें उनके बल्ले से शतक नहीं आया। आखिरी बार दोस्तों 22 नवंबर 2019 में दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया था, उसके बाद से उनका बल्ला पूरी तरीके से शांत है और शतक देखने को नहीं मिला। यही हाल दोस्तों कुछ यहां पर अजिंक्य रहाणे के बाद चेतेश्वर पुजारा का है, और चेतेश्वर पुजारा की जगह लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार दोस्तों हनुमा विहारी और पृथ्वी शो नजर आ रहे हैं। आप सभी को बता दें कि पुजारा पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, कहां टीम इंडिया ने एक समय पर इनको द वॉल के नाम से जानने के लिए कुछ तकिया कलाम नाम दिए थे, लेकिन यहां पर लगातार खराब प्रदर्शन की वजह से पुजारा लगातार निराश कर रहे हैं। लेकिन क्या अगले टेस्ट मैच में अश्विन की जगह ही बनेगी, इस बात पर भी गौर करने वाले रहने वाले हैं। अब दोस्तों टीम इंडिया की कहीं ना कहीं यहां पर निराशाजनक प्रदर्शन रहा है और इतनी जल्दी सिमट गई ये किसी ने सोचा नहीं होगा। अब 2019 में आखिरी शतक लगाया था, उसके बाद से विराट कोहली का बल्ला शांत है, लेकिन आप सभी को एक और जानकारी दे दें कि 11 के 11 खिलाड़ियों का दोस्तों इस मैदान पर डेब्यूट हुआ था। दरअसल दोस्तों हेडिंगले में टीम इंडिया ने 19 साल बाद खेला है और भारत हेडिंगले में आखिरी बार 2002 में खेला था, जब उसने पारी और 46 रनों से जीत दर्ज करी थी। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में शामिल सभी खिलाड़ी पहली बार इस मैदान में खेल रहे हैं, यानी कि इससे पहले इस मैदान पर किसी भी बल्लेबाज का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। लॉर्ड्स के मैदान पर सिर्फ विराट कोहली और ईशांत शर्मा जैसे खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस था, लेकिन इस मैदान पर किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं था, और पहला ही एक्सपीरियंस इतना बुरा हो गया है कि वो शायद
यार इस इन सब चीज़ों को अपने जहन से मिटाना चाहें। अब दोस्तों इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग की बल्लेबाजी है और बड़े बदलाव उन्होंने ये किए हैं कि रोरी बंस और हसीब हमीद ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में चुने हैं, ना कि डोमिनिक सिबली और जैक क्राउली को उन्होंने बाहर कर दिया है। नंबर तीन पर टी20 के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज डेविड मलान है और उसके बाद तो दोस्तों जो रूट, जॉनी बेस्ट, जॉस बटलर, मोइन अली, सैम करन जैसे खतरनाक बल्लेबाज भी। ऑली रॉबिन्सन दोस्तों बल्लेबाजी कर सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट इनिंग के दौरान ही 78 रन बना पाए टीम इंडिया, तो यहाँ पर बड़ी तेजी से इंग्लैंड इसको चेस करके आगे लीड लेने के बारे में सोच रही होगी। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये बल्लेबाजी के लिए पिच है नहीं, गेंदबाजों के लिए अच्छी है। अगर इंग्लैंड की गेंदबाजों ने कमाल किया है तो टीम इंडिया की गेंदबाजों से भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों बचे हुए फर्स्ट सेशन के बाद अन्य सेशन में क्या होने वाला है दोस्तों। लेकिन आपको जो बात बताई वो सचमुच हैरान कर देने वाली ये है कि 54 साल के एक इतिहास है दोस्तों कि जब से इंडिया इस मैदान पर नहीं हारी। अब विराट कोहली के कंधों पर बड़ा दारोमदार है कि उनको इस जीत की लय को बरकरार रखना होगा। लेकिन टॉस के वक्त दोस्तों एक सिक्का जो उछलता है उसको जो रूट ने कुछ इस तरीके से उछाला था जो सचमुच हैरान कर देने वाला नजारा था। लेकिन विराट कोहली का टॉस जीतना भी टीम इंडिया के लिए काफी दर्दनीय साबित हुआ है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।